प्रदेश में इस समय ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। खरगोन में भी जिला मुख्यालय पर ईवीएम मशीन पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखी गई है, जहां शुक्रवार की रात 9 बजे एक मिनी ट्रक से ईवीएम मशीन भीगन गांव विधानसभा से स्ट्रांग रूम के पास लाई गई, जिसकी सूचना मिलते ही कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए और जमकर बवाल मचाया। माहौल बिगड़ता देख प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बल के साथ पहुंचे प्रत्याशी रवि जोशी को स्ट्रांग रूम के अंदर ले जाकर अवलोकन कराया गया। उधर उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस कनेल का कहना है कि भीकन गांव से एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन वेयर हाउस के लिए भेजी गई थी। ये सारे आरोप निराधार हैं। अभी 10 मिनट पहले हमारे अभिकर्ता मोहन लाल पाटीदार जी का फोन आया कि उनकी जानकारी में आई कि कुछ मशीनें, खराब मशीनें यहाँ पर लाई गई और लाई एक वैन के द्वारा और यहाँ मशीनें खाली की दी गई। हमको जो अंदेशा था कि मशीनों में हेरा फेरी होने की संभावना है, वो संभावना बिल्कुल सत्य होती प्रतीत हो रही है। खराब मशीनों को लाकर कोई यहाँ रिपेयरिंग सेंटर नहीं है जो खराब मशीनों को लाकर यहाँ रिपेयर के लिए रखा जाए। खराब मशीनें इस जगह कॉलेज में जहाँ मतदान केंद्रों से आई हुई मशीनें जमा है, उस जगह लाने का कोई उचित नहीं है। हम रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी जी से मांग करते हैं कि वो हमको बताए कि कितनी मशीनें यहाँ लाए, अभी ख़राब लाए और कहाँ रखी है। हम देखना चाहते हैं क्योंकि हमको शंका है कि मशीनों में हेरा फेरी होने की 100% उम्मीद है, क्योंकि सागर में भी आज ही का मामला था कि वहाँ इस तरीके की कोई घटना घटी। क्या लग रहा है ये घटना कुछ भी कर सकते हैं? सरकार कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि सरकार चली जा रही है, सरकार 80 सीटों से अधिक नहीं जीत पा रही है, इसलिए मशीनों में जोड़ तोड़ करके कैसे भी प्रशासनिक दबाव डाल के मशीनों में हेराफेरी करने की 100% उम्मीद है।